सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीमा चौराहे पर सब्जी की दुकान लगाने वाले युवक को तीन युवकों ने मामूली से विवाद के चलते चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सब्जी की दुकान वाला युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र पिता राम बाबू लोधी निवासी मुखर्जी नगर बीमा हॉस्पिटल चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाता है। बुधवार को धर्मेंद्र की किराने की दुकान पर दो नाबालिग किशोर खड़े थे, इसको लेकर धर्मेंद्र ने एतराज जताया। इसी बात को लेकर बीमा अस्पताल चौराहे पर धर्मेंद्र पिता राम बाबू लोधी निवासी मुखर्जी नगर जब सब्जी का ठेला लगाकर खड़ा था, तभी जाहिद पटेल और उसके साथ ही दो नाबालिग किशोर पहुंचे। सब्जी की दुकान पर धर्मेंद्र से तीनों युवकों ने कल की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जाहिद पटेल ने धर्मेंद्र लोधी को चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल धर्मेंद्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जाहिद पटेल और उसके दो नाबालिग साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। कल मेरे दुकान पर खड़े हुए थे, इनको मैंने क्या विवाद लगा, आज आके इन्होंने क्या विवाद था आपका? पहले विवाद कुछ भी नहीं था, दुकान पर भीड़ लगा खड़े हुए थे, मैंने इनसे किया कि दुकान पर भीड़ मत लगा। तो कौन सी जगह की घटना है ये? बीमा चौराहे की घटना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र लोधी। सर बताइए, आज भी बीमा चौराहे के वहाँ चाकूबाजी हुई थी, क्या घटना है आज का, पूरा करो। आहत धर्मेंद्र लोधी है, इसकी उम्र लगभग 19-20 साल है। ये सब्जी का ठेला लगाता है बीमा चौराहे पे, और इसकी किराने की दुकान है सब्जी का ठेला करमदीप चौराहे पे भी है। कल करमदीप चौराहे पे नाबालिग बालक और एक उसका साथी नाबालिग बालक, ये दोनों इसकी दुकान पर खड़े थे। तो इसने जो है आहत धर्मेंद्र ने बोला कि आप मेरी दुकान पर मत खड़े रहिए, यहाँ से जाइए। इसी बात की रंजिश को लेकर ये दोनों नाबालिग और इनके एक साथी द्वारा आज जो है धर्मेंद्र लोधी के साथ में बीमा चौराहे पर चाकू से इसकी घटना की, और इसको चार चोटें आई हैं धर्मेंद्र को, दोनों पैरों में और पुट्ठे पर और कमर में, जिसका इलाज अभी MGH हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर साहब द्वारा सभी चोटें सिंपल नेचर की बताई गई हैं। प्रकरण में पंजीकृत किया गया है थाना सिविल लाइन में, और नाबालिग बालक से पूछताछ की जा रही है। सर जैसे जो चाकू लगे हैं उसमें धारा कौन कौन सी लगती है इसमें? जो इसमें जो है चाकू से मारपीट में 324, 294, 506, 34 IPC का अपराध पंजीकृत किया गया है। सर एक केस आया था चाकूबाजी का, क्या है? हाँ, उसको वार्ड में भर्ती किया गया है, उसको कई सारे गुंड हैं, उसको घाव है, तो वार्ड में भर्ती किया गया। मेरे पहले उसकी एमरजेंसी की गई है डॉक्टर नगर के द्वारा, अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो जांच के बाद पता चल पाएंगे और क्या क्या गंभीर है। सर क्या नाम है उसका? उसका नाम धर्मेंद्र है, पेशेंट का नाम। धर्मेंद्र आया था 8 बजे। कैसी हालत है सर उसकी? अभी स्टेबल है। ठीक, आपका नाम बता दें। मैं डॉक्टर अमित चौरसिया।